मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शुभचरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए, हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल आज का सुनाने जा रहे हैं, इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 28 जनवरी 2024, शल्यवंश 1945, संवत्सर शोभन आयन, उत्तर ऋतु हेमंत, चंद्रमास पौष पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की द्वितीया तिथि है। कल सुबह 6:11 के बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी, शनिचर है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों मघा नक्षत्र। दोपहर 3:53 के बाद आश्लेषा, क्षमा करें दोस्तों, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों स्वभाव की योग है। सुबह 8:50 के बाद शोभन योग शुरू। करण दोस्तों वनिश करण है। दोपहर 4:53 के बाद विष्टि करनी शुरू, और कल सुबह 6:11 के बाद मौ करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मकर राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव कुंभ राशि में होंगे। अपने बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:15 पर होगा और निगमन शाम को 6:28 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये छोटा सा संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दे। हरो शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्तमान सत्य ब्रह्म द्वितीय पराते श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भाग के महाराष्ट्र देश व्यापार का चांद्रवाणी शल्यवंश 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरो में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतु पौष पौष मास कृष्ण पक्ष शनिचर वास मघा नक्षत्र सौभाग्य की योग के वनिश करने तृतीया शुभ तो वीर गोत्र में उत्पन्न पामो पार्थ देवता क्षय द्वारसी पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्य। दोस्तों, इसके साथ ही यह संकल्प जो है यही पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8:50 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा ले दोस्तों, और नया संकल्प तैयार करें, और संकल्प में आप जो विधि करने जा रहे हैं उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों, तब जाकर आपकी सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त तो विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त का कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28, 30, 31 फरवरी, तारीख 1, 2, 4 और 6। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21।
नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 30 से 31 फरवरी, तारीख 2 और 4। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 31 फरवरी, तारीख 1 और 2। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 31 फरवरी, तारीख 1 और 2। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए इस मास में कोई नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28, 30 से 31 फरवरी, तारीख 1, 2, 4 और 6। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 31 फरवरी, तारीख 1 और 2। भूमि विचरण तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिया गया है फरवरी तारीख 7। दोस्तों देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। जब तो ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडल के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों शाम 5 बजे तक अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक यम घंटे। इस योग में जो भी बालक पैदा होगा उसका शांति 12वें दिन आपको करनी है। इसके बाद मुहूर्त निकालना पड़ता है, वो यम घंट योग ये चालू पंचांग में ही दिया जाता है, जूना पंचांग में नहीं दिया जाता। इसके लिए ये जो योग है यम घंट निकालना मुश्किल होता है। दोपहर 4 बजकर 53 मिनट के बाद भद्रा योग शुरू होता है। करके इसमें कोई शुभ काम ना करें, वरना आपका काम हो सकता है नहीं बनेगा। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों, इसलिए आप कोई भी नया जो छोटा बड़ा यज्ञ या कर्म कांड है वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले वो कहीं बंद ना हो जाए इसका भी ध्यान आपको रखना है, वरना आपको दोष लग सकता है। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में भी आप अगर नया कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हो और वो अगर सक्सेस नहीं होता है, तो उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, तब जाकर आपका काम सक्सेस होगा दोस्तों। हो सकता है क्योंकि इस काल में आपको राहु काल जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फल देगी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कॉमेंट्स बॉक्स में आप अपना कॉमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाए। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदित रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम, शिव शंभो महादेव।